गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम जो हमारा चैप्टर हमने रीड किया था वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई की एक्सरसाइजेस एंड क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया, लिस्ट द स्टेप टेकन बाय द कैप्टन। कैप्टन के बाद के द्वारा कौन कौन से स्टेप उठाए गए थे सुरक्षा के लिए। टू प्रोटेक्ट, फर्स्ट क्वेश्चन दिया आपको, टू प्रोटेक्ट द शिप व्हेन रफ वेदर बिगन। ऐसी सिचुएशन में जब वेदर ख़राब हो तो शिप किस तरह से प्रोटेक्ट हो सके। टू चेक द फ्लोडिंग ऑफ वाटर इन द शिप, शिप में जो पानी भर गया था उसको रोकने के लिए क्या स्टेप उठाए गए थे। नाउ आंसर, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द शिप फ्रॉम द रफ वेदर, रफ वेदर से बचाने के लिए उन्होंने, कैप्टन ने डिसाइड किया था कि एक तो नाव को स्लो कर दिया था नीचे की ओर, एंड सो ही ड्रॉप्ड द स्ट्रॉम, जिससे कि वो जिब एंड लैस्ड हैवी मॉर्निंग रोप्स, उसको बड़ी मोटी रस्सी से बांधा गया। देन दे डबल्ड फर्स्ट एंड एवरीथिंग एंड वेट थ्रू देयर लाइफ रेफ्ट ट्रेल। उन्होंने जहाज के पिछले हिस्से को लंगर से बांध दिया और उसके बाद उन्होंने हर चीज़ को दोबारा बांधा ताकि समुद्री तूफान से वेवाकार जो है वह वॉकर जो है उसका सामना वो कर सके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, जब पानी जहाज के अंदर बहुत तेज़ी से घुस रहा था तो उन लोगों ने, लैरी और हब्स ने स्टार्टेड पंपिंग आउट वाटर, पानी को पंप करके बाहर निकाला। द कैप्टन स्ट्रेचेस कारवेंस एंड कैनवास एंड द सिक्योर वाटर प्रूफ हैच कवर्स अक्रॉस द गैपिंग होल्स। उन्होंने गैपिंग होल्स से जो पानी आ रहा था उसको रोकने के लिए वाटर प्रूफ लगाए। व्हेन द टू हैंड्स पंप ब्लॉक्ड एंड इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्क्यूटेड, मतलब जो इलेक्ट्रिक पंप जो थे जब वो ख़राब हो गए थे, ही फाउंड अनदर इलेक्ट्रिक पंप, उन्होंने एक और इलेक्ट्रिक पंप ढूंढा एंड कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप एंड स्टार्टेड इट, और दूसरे आउट पाइप से उसको जोड़ा और पानी को पंप करने के लिए वापस से शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द मेंटल कंडीशन ऑफ द व्याजोस ऑन 4th and 5th January। हमको मेंटल कंडीशन बतानी है 4th और 5th January को जो यात्री थे उनकी, जो समुद्र में यात्रा करने वाले जो लोग थे उनकी मेंटल कंडीशन क्या थी। ऑन January 4th द वोयाजोस फेल्ट रिलीव्ड आफ्टर 36 hours ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग आउट वाटर। 4 January को जो समुद्री नाविक जितने भी लोग उसमें सवार थे उन लोगों को थोड़ा सा रिलीफ मिला कि 36 घंटों के बाद में कंटिन्यू पंपिंग करने के बाद, दे हैड देयर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days, तो 2 दिन में उन्होंने पहली बार उस दिन थोड़ा बहुत कुछ मेल लिया यानी भोजन लिया। देयर रिसेप्ट वॉज शॉर्ट लिव्ड, लेकिन ये जो आराम था उनका बहुत थोड़े समय के लिए था। दे फेस्ड डेंजरस सिचुएशन ऑन January 5th, और January 5th को उन्होंने वापस खतरों का सामना किया। फियर ऑफ डेथ लूम्ड लार्ज, बहुत बड़े रूप में गहराई से उन्होंने डेथ का सामना यानी मृत्यु के से आमना सामना उनका हुआ। दे वर अंडर ग्रेट मेंटल स्ट्रेस, वो उस समय बहुत मानसिक तनाव की स्थिति में थे 5th January को। टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट के अंदर जो आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन विथ योर पार्टनर्स, यानी आपको डिस्कस करना है क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिफरेंस बिटवीन यू नोटिस बिटवीन द रिएक्शन ऑफ द अडल्ट्स एंड द चिल्ड्रंस व्हेन फेस विद डेंजर। जब डेंजर का सामना कर रहे थे तो अडल्ट्स जो हैं उनमें और बच्चों के बिहेवियर में क्या चेंज था। तो ड्यूरिंग द क्राइसिस द अडल्ट्स ऑन बोर्ड फॉलोड रूटीन ड्रिल्स ऑफ द शिप रेस्क्यू विदाउट गेटिंग इमोशनली देयर एटीट्यूड टू फाउंड सॉल्यूशन टू द अनएक्सपेक्टेड क्राइसिस फेसिंग दैम। और जो अडल्ट थे वो उनके साथ जब इस तरह की समस्या उनके सामने आई तो उन्होंने इमोशनली हर्ट होने या परेशान होने की बजाय हर संभव ये कोशिश करने की कोशिश की कि बोल्डली उन्होंने उन कंडीशंस को फेस किया। और जो चिल्ड्रन थे
जो छोटे बच्चे थे द चिल्ड्रन वर शेल शॉक्ड, बच्चे शॉक्ड थे लेकिन उन्होंने अपना करेज नहीं खोया था, यानी उन्होंने अपनी जो बहादुरी है वो खो नहीं खो करके देयर फियर्स इन कंसिडरेशन, उन्होंने अपने कंसिडरेशन से ऑफ देयर पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स की परिस्थितियों को समझते हुए अपने आप को पेशेंटली उन्होंने सेफ अपने को एक जगह पर बैठे रहे और वो वेट करते रहे कि उनके पेरेंट्स जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं और वो डरे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि हाउ डज द स्टोरी सजेस्ट दैट ओम्प्टी मिस्टेक हेल्प टू एंड एवर द डेयरेस्ट स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा डर के समय ये स्टोरी किस तरह से हमें, जो लोग आशावादी हैं अगर वो हमारे यानी जो एम्बिशंस हैं जो आगे बढ़ने वाले लोग हैं वो किस तरह से हमें हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्टोरी है उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, जो कैप्टन हो लैरी हो सभी ने अपने अपने तरीके से ये चीज़ फियर से बाहर आने की, पूरी फैमिली जो थी हेल्प कर रही थी उनकी और वो लोग खुद भी सारे स्ट्रेस से के समय भी अपनी क्लियरली चीज़ों को रखे हुए थे और उन्होंने अपना पेशेंस खोया नहीं था। तो आप इस आंसर को भी कॉपी में लिखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन जिसके आगे के हैं वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक आप इन कॉपी में नोट करके रखिएगा। नाउ थैंक यू स्टूडेंट्स।